इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अभी क्या है तुर्की के हवाले से जो आपने बात की, हमारे ताल्लुकात, हम उनके ग्रुप का, हम उनके तस्वीराती हलीफ थे, अब नहीं रहे। इंडिया उनके तस्वीराती हलीफ है, इसीलिए इंडिया की बात वो मानते हैं, इसीलिए उसे अफगानिस्तान में रोल दे रहे हैं, इसीलिए गालबन उसी के कहने पर हेलीकॉप्टर उनको मना कर दिए, जो अब हम चीन से दे रहे हैं मॉडर्न हेलीकॉप्टर, जदीद हेलीकॉप्टर, लड़ाके हेलीकॉप्टर। अमरीका ने तुर्की के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि वो पाकिस्तान को जो 30 हेलीकॉप्टर उन्होंने देने थे, उन हेलीकॉप्टर्स का नाम था अटैक 2 ATAK T-129, उसको कहते हैं। ये एक ट्विन इंजन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर था जो तमाम वेदर्स में काम करता था, और एक अटैक हेलीकॉप्टर था, और दूसरा ये कि इसकी इंटेलिजेंस कैपेसिटी, इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये बड़ा एक स्टेट ऑफ द आर्ट हेलीकॉप्टर था। और पाकिस्तान ने के पास जो पाकिस्तान के पास तकरीबन 48 पुराने जो थे वो बेल AH-1F जो है, जो हमारे पास एक बेड़ा था हेलीकॉप्टर्स का, हम उससे इसको तब्दील करना चाह रहे थे, और ताकि हम जो है वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है हमारी, जो एविएशन की, जो आर्मी एविएशन की, या जो वो हम उसको अपग्रेड कर सकें। और ये तकरीबन $1.5 बिलियन की डील थी, और ये टर्की के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था कि ये जो टर्किश मेड हेलीकॉप्टर जो थे, ये उनको एक बहुत बड़ा पुशबैक मिला है, और उसकी वजह यह है कि ये उनके, जब से उन्होंने ये बनाए तो उनके लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज था। अब टर्की पे क्यों सैंक्शंस लगी हैं कि वो पाकिस्तान को नहीं बेच सकता, बेसिकली तो टर्की, अमेरिका ने डबल, जिसे आप कह लें, गेम की है। एक तो ये है कि उन्होंने टर्की को भी सैंक्शन किए और हमें भी साथ वो उन्होंने सैंक्शन भारत से पाकिस्तान जी हमें नहीं बेच सकते। मैं इसमें भी आऊंगा कि अमेरिका पहले दुनिया की सहूलत तो बता रहा है उन मुल्कों में इससे क्या हो सकता है, इसके प्लांट लगाने का फैसला किया या उन लोगों को लेना चाह रहा था, प्रोडक्शन का फैसला किया जहां से आसानी से इसकी डिलीवरी हो सके, जो फैसला किया है कि लिया के लिए हमने S-400 मिसाइल लेने हैं रशिया से, ऐसे में भी बन रही है। पहले टर्की ये कहता था अमेरिका को हमें पैट्रियट एयर डिफेंस, इंडिया में भी कुछ मकामात पे ये वैक्सीन बनाई जा रही है, अमेरिका ने यूरोप की तरफ एक बड़े अच्छे पैसे कमा सकता है, ना इसको बेच सकता है। अब ये जो हालांकि जिन मुल्कों को ये वैक्सीन मिलने वाली है उसका फैसला भारत करेगा, और ना ही उन मुल्कों को जिनको ये वैक्सीन चाहिए अमेरिका में कांग्रेस में भारत से कोई डील उनको करनी पड़ेगी, काम की लॉबिंग नहीं रही। अच्छा, अमेरिका ने इन अदर वर्ड्स ना भारत बना रहा है, ना भारत ने आजाद किया, ना भारत का उत्थान हो गया, ना भारत पाकिस्तान को दे सकता है, ना भारत पाकिस्तान को देने से रोक सकता है। अगर ये देखा जाए कि अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, या आईफोन जो है वो अमेरिकन कंपनी है, चाइना पे बनते हैं, पाकिस्तान ये T-120 है वो चाइना में बनते हैं, किसी और, लेकिन हम ZM कंपनी कहीं की है, चाइना में बनती है। बेशुमार चीजें हैं जो दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे इसलिए बनाई जाती है कि वहां पे कंपनीज लाके लगा देती है कि यहां पे प्रोडक्शन ज्यादा है, लेंगे उसके ऊपर भी बात करेंगे। WHO का इदारा है अमेरिका, उसने गरीब मुल्कों को वैक्सीन देने की, उसके लिए उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन का अमल है तो अमेरिका भी शुरू किया, उस तरह बिहेव नहीं करता जिस तरह वो पहले कर रहा होता है। पाकिस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे पिछले 15 साल, भारत से नेपाल में गई है, पहले ये कहना भी शुरू कर दिया था, और बहुत सारे अभी तक चली है, एनालिस्ट ने ये कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को जो अपने स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है जो कि वो चले गए हैं नेपाल, हमारा चाइना के साथ है, वो अमेरिका के साथ भी रखने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें जो अपने ताल्लुकात वो अफ्रीका में चली गई, ये कोवैक्स की है, आगे लेके जाना चाहिए, लेकिन भारत के बड़े वहां से जा रही है अफ्रीका में, बनाएंगे तो वो काम नहीं आएगी, हमें ताल्लुकात की नियत बदलनी पड़ेगी, उसके लिए जब अपने ताल्लुकात की नियत बदलनी होती है तो देन आपने अपना सारे का सारा स्टेट अपरेटस बदलना होता है।
जो है वो स्टार्ट कर दिया गया, 4,68,000 बदलेंगे उसके लिए आपको देखना है। ये है कि भारत से अफगानिस्तान में पहुंच गई, स्टेट ऑपरेटर्स के अंदर श्रीलंका में पहुंच गई, दीगर के ममालिक में जा रही है। ये वो सारे आसपास के इकोनॉमिक नीड्स इस तरह की क्रिएट कर रही होती है कि हम पाकिस्तान भी इन्हीं मुल्कों में से डील करें। 17 मार्च को पाकिस्तान अनाउंस कर देगा इस तरह की डील करें कि हमें उससे लेकर जून तक 1.5 करोड़ के लिए काबिले कबूल वैक्सीन जो है हम उसके लिए अच्छे तरीके से जो कोवैक्स देगा WHO देगा जो है वो प्रोडक्शन वो भारत में कर रहे हैं। ये देखिए जरूरत है जैसे इंडिया के साथ अमेरिका का कोऑपरेशन बहुत हाई लेवल पे चला गया, भारत का कोई किरदार नहीं है। अमेरिका जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दी, प्रेसलर अमेंडमेंट आ गया तो रोक ले। अच्छा हमें 10-12 साल वो पे सैंक्शन गुजारे, फिर अखबारों में ऐसी खबरें छापे के हो गए, फिर सैंक्शन में आ गए तो हम एक बड़े बुरे फेज में रहे। पाकिस्तान भारत तो अमेरिका के और भारत में रहे खरीद रहा है, तो अभी भी इस तरह लग रहा है कि हम शायद अमेरिका के लेफ्ट में रहेंगे, राइट में हम नहीं आ पाएंगे बगैर शोर मचाए क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत दबाव में आ जाए। क्लोजनेस है हम चाइना के पास चले जाएंगे, चाइना से वो ले लेंगे। अच्छा मजे की बात यह है कि इंडिया भी प्रेशराइज करता है, इंडिया भी प्रेशराइज करता है, और वो प्रेशराइज ये करता है कि जनाब इंडिया ये प्रेशराइज करता है वेस्ट यूरोपियन ममालिक को कि जहां जहां से पाकिस्तान अगर आपसे लेगा तो फिर हम आपसे असला नहीं लेंगे। मैं बहुत सारे आई अंडरस्टैंड पर्सनली तो गाइज़ ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा था जो टर्की ने उन्हें हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया है। आपको पता होगा दोस्तों पाकिस्तान को टर्की से हेलीकॉप्टर मिलने वाले थे जिसको डेवलप किया गया था अमेरिका में, और अमेरिका ने टर्की के ऊपर सेंसर्स लगा दिए हैं। क्योंकि आपको बता दें कि टर्की इस समय अगर भारत के जो सबसे टॉप 3 दुश्मन देश, मतलब जहाँ भारत के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा या भारत के खिलाफ कुछ ना कुछ मतलब नफरत है, तो उसमें टर्की डेफिनेटली टॉप 3 में आता है। पहला तो पाकिस्तान है, दूसरा आप टर्की को कह सकते हो, तीसरा जो कनाडा का नाम बहुत ज़्यादा उछल कर सामने आ रहा है क्योंकि कनाडा में ISI और जो खालिस्तानी जो वहाँ कर वो जो कर रहे हैं भारत के खिलाफ, मतलब कनाडा की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है इसमें, ये भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। वहाँ पे जो खालिस्तानी एक्टिविस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा भारत के खिलाफ जहर उगलवाते हैं, और आपने देखा होगा जो किसान आंदोलन जो 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था उसके बाद जो रेहाना और मियाँ खलीफा और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से ट्वीट करा दिया, मतलब उनके पास इतना पैसा है। तो टर्की भी सेकंड नंबर पर आता है, टर्की भी काफ़ी कश्मीर करता है, लेकिन टर्की को अमेरिका ने सीधा चुप करा दिया और अब टर्की सीधा भीगी बिल्ली बनकर अमेरिका की बात मान रहा है। क्योंकि टर्की का भी जो आपको भी पता है कि अमेरिका बॉस है, और टर्की का जो सामान आता है अमेरिका से आता है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो सारे आते हैं वहीं से ज़्यादातर, तो उन्हें देने से मना कर दिया। तो चलो अब टर्की भी धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है, कोशिश करते हैं इसे लाइन पर लाने की, क्योंकि ये बेवजह इतना ज़्यादा उड़ रहा था। अब पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है, ले देकर वही कवाड़ माल लेगा चाइना का, उड़ेगा पता नहीं कब गिर जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो होता है ख़त्म, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।